नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वाद की टोकरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गणपति जी के भोग के लिए बेसन मोदक बना रही हूँ, वो भी बिना मावा बिना चाशनी के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने लिया है 1/4 कटोरी घी और 1 कटोरी बेसन। और आप कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से सारी चीज़ों को नाप कर डालें। और घी हमने तो बहुत थोड़ा सा बचा लिया है, पूरा घी नहीं डाला है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बेसन भून कर तैयार होगा। और इस तरह से हम दबाते हुए इसे भुनेंगे ताकि बेसन के दाने दाने भुन जाए, कच्चापन इसका ना रहे। ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और इससे घी भी रिलीज हो रहा है। ये काफ़ी घी रिलीज हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखिए अब काफ़ी कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी या बूरा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी या फिर बूरा यानी तगार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ली है, हमने थोड़ा सा भी बचा लिया है। पहले हम मिक्स करेंगे, देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी तभी हम डालेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपका बेसन सूखा सूखा लग रहा हो तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी डालकर घी डाल लें या फिर 1-2 चम्मच दूध भी डालकर इसे गीला कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेसन यहाँ पर काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बंध रहा है। पिसी हुई चीनी जो हमने बचाई थी वो भी हमने इसमें डालकर मिक्स कर दिया था। ये देखिए मोदक मोल्ड है, यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने थोड़े से काजू और बादाम लिए, उसे भी रफली काट लिया था, उसे इसमें मिक्स कर दिया। आप चाहे तो उसे ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं। ये मोल्ड है, इसमें इसे हम हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे ताकि अब जब मोदक बनाएं तो मोदक इसमें चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर मोदक अब मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी बेटी बना रही है। वो जिद कर रही थी कि उसे बनाना है, तो अब वही आपको बनाकर दिखाएगी कि मोदक किस तरह से अच्छे से शेप में लाते हैं। अब हम देखते हैं ये किस तरह से बनाती है। आप भी इस तरह से अपने घर में बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। जब आप कोई कुछ अच्छा बना रहे हो तो बच्चों की हेल्प लें तो बच्चे बहुत ही खुशी से ये सब काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसने डाला है। आप चाहें तो मोदक मोल्ड को बंद करके नीचे से उसमें भर करके इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो इसे बनाएं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है या नहीं मिल रहा हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर हमने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसको हमने बिस्किट से बनाया था, उसको हमने हाथ ही से बनाकर दिखाया था। ये देखिए इस तरह से हम इसे दबाएंगे ताकि अंदर में अच्छे से ये भर जाए, तो आपका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए दबाते हुए इसने बराबर, हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे खोलेंगे। ये देखिए ये मोदक बहुत ही प्यारा सा मोदक बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। ये भी हमारे मोदक, ये देखिए बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसे आप खाएंगे तो मुंह में बिल्कुल घुल जाएगा। ये देखिए हमारे मोदक बिल्कुल सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आपको मोदक की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।